मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मैं मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। गुजरात के वडोदरा में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तिरंगा यात्रा निकली। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे भगवान ने खास वजह से यहां भेजा है। जी हां, गुजरात में आधी रात को केजरीवाल ने हुनकार भरी। ये स्पीच दरअसल कुछ अलग थी। इस स्पीच में ऐसा क्या था जो बाकी स्पीच से अलग था, आप खुद सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। आपने बताए जेमनी बपोर थी राह जोता आता एवं अपना लोक लाडीला लेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान साहब आई जाए। बोलो अपना माननीय नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सांभळ्यो विनती करी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतनी बारिश में आप इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग दाहोद में थे, 3:30 बजे हम लोगों को हेलीकॉप्टर से उड़ना था, लेकिन मौसम खराब हो गया, हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ नहीं पाए, लेकिन आप लोगों से तो मिलना था। तो फिर हम वहां से सड़क से आए हैं, 3-3.5 घंटे के करीब लग गए हम लोगों को, अभी पहुंचे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करनी जरूरी है, आप लोग इतने घंटे से हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वडोदरा के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आई लव यू टू। दोस्तों, एक जरूरी बात करनी है आपसे। मैं देख रहा हूं, जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मेरी मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर।
मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं, हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब मैं मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी दो शब्द बोले। भारत माता की, इनकलाब। गुजरात में जहां भी हम जाते हैं एक आंधी जैसी फीलिंग आती है, झाड़ू की आंधी है। अभी हम दाहोद से आए हैं, उससे पहले पिछले वीक, पिछले हफ्ते हम खेत ब्रह्मा गए थे, सुरेंद्र नगर गए थे, गांधी धाम गए थे, और जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं, 27 साल हो गए, हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे। और हम यही कहते हैं, पीछा हम नहीं, आपको खुद को छुड़वाना होगा। ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो बिल्कुल आम आदमी है, हमसे नहीं डरते। जो इतनी बारिश में, खराब मौसम में घंटों भर इंतजार करके इतनी भारी संख्या में तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, ये तुमसे डरते हैं, ये तुमसे डरते हैं। इनको पता चल गया, इनको पता चल गया, इनको रिपोर्टें आ गई कि काम हो गया, अब यहाँ कमल का फूल नहीं उगेगा, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में उगता है और हमारे पास झाड़ू है, झाड़ू से कीचड़ साफ करो और कमल का फूल उगेगा नहीं। पंजाब में हमारे पास 117 में से 92 सीटें आई, और 92 में से 82 पहली बार विधायक बने हैं। 26 साल की लड़की, 28 साल का लड़का, हम नौकरियां भी आम घरों के बेटे बेटियों को देते हैं, और विधायक और लोकसभा राज्यसभा में भी आम लोगों के बेटे बेटियों को ही भेजते हैं। क्या बात हुई, आप नहीं बन सकते MLA, आप चेयरमैन नहीं बन सकते, क्या आपको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? ये इन्हीं के बेटे बैठेंगे, इन्हीं के रिश्तेदार बैठेंगे। 27 साल हो गए, 27 साल आपका सबर का इंतजाम इतना लिया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ, ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, गुजरात वालों अब तो बदल लो। पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अब है, अब है। पहले आपके पास कोई ऑप्शन, जो कांग्रेस की क्या बात करें, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे यहाँ, वो तो मिले हुए हैं आपस में, वो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा, पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए हैं, 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दी हैं, सरकारी, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं,
हमने सरकारी नौकरियां ली है। अभी अभी कल ही साइन करके आया हूँ, कल ही साइन किए 8736 जो कच्चे अध्यापक थे उनको पक्के किया। अगर अध्यापक का भविष्य सेफ नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे वो? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ 30,000 नौकरियां 6 महीने में हमने पैदा कर दी। अभी 14-15-16 को 3 दिन हमारे यहाँ पंजाब पुलिस का पेपर हो रहा है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात की गारंटी देते हैं, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक भी पेपर फूटेगा नहीं। इससे नौजवानों का दिल टूट जाता है। तैयारी की हमने, आधी आधी रात तक पढ़ाई की, सुबह उठ के पढ़ाई की, पता चला पेपर फूट गया। पेपर फूटा, सपना टूटा। आपके सपनों को टूटने नहीं देंगे, आपके सपनों को आकाश की उड़ान हम दिलवाएंगे। बस एक काम कर दो, मेरा वडोदरा में कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही मैंने कोई यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार करना है, ना ही मैंने कोई ठेका किसी काम का लेना है। सिर्फ मैं ये आपको कहने आया हूँ कि सच में एक मौका मिलेगा आपको, जनता को 9 घंटे मिलते हैं 5 साल बाद, 8 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग होती है, वो 9 घंटे आप इस्तेमाल कर लो अच्छे से तो कई पीढ़ियां सुधर सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 50 दिन रह गए इलेक्शन में, 50 दिन जिम्मेदारी तुम संभाल लो, उसके बाद 5 साल जिम्मेदारी हमारी है, हम भर लेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ इनको जो हमारे पोस्टर फाड़ते हैं, अपने पोस्टर जगह जगह लगाते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होगा। दोनों हाथों को उठाकर इंकलाब, इंकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आपने बताया हुए अगल वधीश है क्रांति कुछ माने, तैयार छो, अगल बजा, आगे बढ़ाओ। राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री।
अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी अपने वजह पधारी चुक्या छे। Let's go.
ने दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आज दिवस के समारोह किया थे। दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली का यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी एवं पंजाब का मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आप दिवस के पदारित किया थे। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी
ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपने वच्चे पधारी चुक्या छे। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक मंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपने वच्चे पधारी चुक्या छे। माननीय श्री भगवंत मान जी आपने वच्चे पधारी चुक्या छे। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपने वच्चे पधारी चुक्या छे। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय संयोजक अने दिल्ली ना यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी तेमज पंजाब ना मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी चालू करो।
शामिल होंगे दोस्तों। भव्य तिरंगा यात्रा में जोड़ाया सौ लोग खूब खूब आभार मानू छू। जय जय गरी गुजरात। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।